संसद में जाति वाले सवाल पर मच गया बवाल। भरे सदन में मोदी सरकार पर अखिलेश हुए लाल। जाति के मुद्दे पर अब पत्रकार राजदीप की एंट्री। जाति के मसले पर राहुल को ही उधेड़ दिया। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, जब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बजट पर संसद में बोल रहे थे और बजट से पहले होने वाले हलवा सेरेमनी में मौजूद अफसरों पर सवाल उठाते हुए उनकी जाति पूछने लगे थे कि कौन दलित है, कौन आदिवासी है और कौन पिछड़े समाज से है। यकीन नहीं तो जरा राहुल गांधी को एक बार आप सुन ही लीजिए। सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। भरी संसद में बजट तैयार करने वाले अफसरों की जाति पूछने वाले राहुल गांधी से जब पलटकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली तो पूरा विपक्ष जैसे आसमान सर उठाकर नाचने लगा। सपाई मुखिया अखिलेश यादव तो इस कदर चीखने चिल्लाने लगे जैसे मानो किसी ने उन्हीं की जाति पूछ ली हो। जरा अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम। बात राहुल गांधी की जाति छुपाने की थी और सदन में चीखने चिल्लाने लगे अखिलेश यादव, जो खुद पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को पीडीए बताकर जाति पर राजनीति करते रहे हैं और पत्रकारों से भी उनकी जाति पूछते रहते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं। आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछोगे तुम, कैसे पूछोगे जाति। ए छोड़ो, अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। जाति के मुद्दे पर जिस तरह से अखिलेश यादव सदन में बौखलाए उतना तो खुद कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी भी नहीं तिलमिलाए। उन्होंने तो बड़ी ही चालाकी के साथ इस मसले पर जवाब दिया और इसे खुद को मिली गाली से जोड़ दिया। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, इस सर माइक नहीं सर, एक माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम लेता हूँ, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियाँ खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी के इस जवाब की पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तारीफ करते हुए कहा, नफरत की राजनीति के खिलाफ कड़ा रुख और अधिक सहानुभूति समावेशी भारत पर उनका ध्यान तारीफ के काबिल है।
राहुल के जवाब की तारीफ करने वाले पत्रकार राजदीप सरदेसाई इसी ट्वीट में उन्हें जाति पर राजनीति करने पर लताड़ने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने आगे लिखा, जब यही राहुल गांधी उन लोगों की जाति की पहचान पर सवाल उठाना शुरू करते हैं जो देश की बजट निर्माता हैं, तो आपको आश्चर्य होता है कि क्या वह पहचान की राजनीति को एक गैर गंभीर दायरे में ले जा रहे हैं। हर समय सामाजिक न्याय के लिए लड़े, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए सही कारण खोजे। जातिगत असमानता की लड़ाई खोखली बयानबाजी और त्रुटिपूर्ण तर्क तक सीमित ना करें। पत्रकार राजदीप सरदेसाई के पत्नी सागरिका घोष ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद हैं और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। यही वजह है कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई को भी आमतौर पर मोदी विरोधी पत्रकार माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जाति पर राजनीति करने वाले राहुल गांधी को लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि जाति जनगणना कराना एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे के बीच हलवा सेरेमनी को लाकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे की गंभीरता को कम करते हुए मजाक की ओर ले जाने की कोशिश की, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद सिर पकड़कर बैठ गईं, जैसे मानो ये कह रही हों कि नेता विपक्ष होकर राहुल गांधी ये कैसी मजाक की बात कर रहे हैं। सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर तब की, उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो, नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना, वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया, मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ आप सत्ता में बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया, आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, वो पूछा नहीं है उस समय। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है सर, इट्स अ शेम। जाति जनगणना की बात करते करते हलवा सेरेमनी पर अटके राहुल गांधी को संसद में जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी जाति जनगणना जैसी गंभीर मुद्दे के बीच हलवा लाने वाले राहुल गांधी को तगड़ी नसीहत देते हुए कहा कि उनकी ये हरकत चौंकाने वाली है। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी की जाति पर संसद में बहस छिड़ी है, ऐसे में क्या राहुल गांधी को भी अपनी जाति बतानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।